फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हनी व्लॉग्स। और ये है रमज़ान डे 4। और आई होप कि आप लोगों को मेरी रमज़ान की सीरीज़ अच्छी लग रही हो। और अभी सहरी का वक्त तो नहीं हुआ, अभी 11 बज रहे हैं। तो अभी पहले वान जान मुझे खाना दे रही, तो पहले मैं खाना खाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम सहरी करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ये मेरा खाना है और ये मेरी फेवरेट सालन है जो वाइन जान बनाती है मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ की एक प्रिंसेस हूँ, तो मेरी बात हर जगह यहाँ सुनी जाती है। चाहे वो अफ्तारी से लेकर खाना हो, हर जगह मेरी बात सुनी जाती है। यहाँ पर इतने नखरे मेरे घर में नहीं होते जितने इधर होते हैं, बस ठंडा होता है यार। और ये बहुत मज़े का सालन, रोटी एंड पानी से बहुत टेस्टी है। ठीक है, तो मैं खाना चाह रही हूँ और अभी सहरी का वक्त अभी तो नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, तो मैं आपसे बात करती हूँ। स्टे ट्यून्ड। सहरी का वक्त हो चुका है, तो अब चलो सहरी करते हैं एंड मैं आपको दिखाती हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। पराठा बन रहा है और मसाला निकाल लिया, और मैं तो मैगी ही खाऊंगी। माह रमज़ान, शान रमज़ान चल रहा है और मेरी सहरी तो मैगी और बाकी जो सहरी है वो किचन में बन रही है, तो मेरी तो ये है। अब मैं खाकर फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है? वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो चुका है, ठीक है? और अभी टाइम हो रहा है, मैंने कपड़े भी बदल लिए हैं। अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, 4:06 हुए हैं अभी। और अभी मम्मा लोग अभी इफ्तारी की तैयारियां करनी शुरू हो गई है। तो अभी तो मम्मा उठी हैं तैयारी करने के लिए, तो जब तैयारी और कुछ खास होगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड, ठीक है? और आप लोग बताइएगा मुझे कि मेरी सीरीज कैसी लग रही है आप लोगों को। स्टे ट्यून्ड। तो जी, तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। यहाँ आलू बॉइल हो रहे हैं, यहाँ समोसे वगैरह की तैयारी हो रही है। अम्मा, चीज़ बॉल बनेंगे? इंशाल्लाह। यहाँ पर भी कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, बच्चे खा कर देखूँ। डोसा है यार मेरा। यहाँ पर भी चल रही है, तो पूरी किचन में तैयारियाँ ही चल रही हैं। और अब आगे देखते हैं बनता है क्या। तो जुड़े रहिए, सतर्क रहिए। मैं अपनी प्यारी सी हाथों से फ्रूट चाट काट रही हूँ। अब वहाँ मेरी माँ काम कर रही है। ये देखो जी, अम्मा क्या है? ये है मंगोरे। मंगोरे, ये पालक के पकोड़े। ये पालक पकोड़े, ये चीज रोल बन रहे। रोल बनेंगे, चीज रोल। और ये चीज, हाँ। और वहाँ आलू बन रहे जी। तो चीज बॉल कब बनेंगे फिर भाई? वही ना, चीज बॉल बनेंगे आलू। ठीक है, देखते हैं। एक डिश तैयार भी हो चुकी है, वो है दही बड़े। यस, दही बड़े तैयार हो चुके हैं गाइस। तलना शुरू हो चुका है, ये देखें भाई। या अभी रोल तलना, ये मज़े मज़े की चीज़ बॉल। पर ऐसे खेलना लूँ मैं, मेरी माँ तो तैयारियों में लगी है। यहाँ पर भी कुछ चल रहा है, वहाँ तलाई हो रही है। ये देखें यार, चीज़ इतनी सॉफ्ट क्यों होती है? मुझे लगती है हार्ड होती है, सॉफ्ट टाइप चीज़। देख रहे हो मेरे माँ के हाथ कैसे तेज़ चल रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे होता है क्या। यहाँ हमारे क्या बन रहा है? सैंडविच। जी, चीज सैंडविच। चीज सैंडविच भाई, अलग अलग चीज़ें बन रही हैं आज तो। चल हम पूरी रेसिपी देख कर आएंगे। ये एक बन चुका है जो भी है। अभी यहाँ कुछ इतना सैंडविच की तैयारी चल रही है। यहाँ ये पकौड़ों की है, ये मंगोरे, ये रोल, और वहाँ क्या चल रहा है? चीज़ बॉल, माय फेवरेट। और हाँ, ये मंगोरे, यहाँ पर फिर से वही तैयारी चल रही है। और हम फ्रिज से ला देते हैं मम्मा को एक अंडा। तैयारी अभी बरकरार है, अभी सब हो चुका है और ये सारी नमाज भी हो चुकी है। अब सीधा मगरिब के बाद ही पढ़ेंगे हम, वो सॉरी रोज़े के बाद ही पढ़ेंगे हम मगरिब की नमाज। तो अभी सारा कुछ हो चुका है। और मैंने अभी अभी नोटिस किया कि जब पिछला जो रमज़ान 2023 का जो रमज़ान था, या फिर 2022 का, तो उसमें मैं हर रोज़े में कोई एक अच्छी या ख़ास मखसूस बात बताती थी। वो स्पेसिफिक बात बहुत ही अच्छी होती थी और मैं आप लोगों को रोज़ बताती थी। तो आज की अच्छी बात ये है
कि जब शबे बारात आता है तो जिन जिन के भी हमने दिल दुखाए भी होते हैं, हमारी नाराज़गी होती है उन लोगों से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर उनकी गलती है तो वो भी माफ़ी मांगे और आप भी माफ़ी मांगे और सबके दिलों पर जीत लें। यानी कि जब शबे बारात का बड़ा महीना आए तो आप सबसे माफ़ी मांग लें, अल्लाह से भी मांग लेंगे। उस दिन एक बहुत बड़ी रात होती है कि आप सबसे माफ़ी मांग लें, कोई नाराज़ हो तो वो ख़त्म कर लें, सब चीज़ ख़त्म कर लें। सही है, इससे अल्लाह ताला आप लोग का दिल भी साफ़ होता है और अल्लाह ताला आपको सवाब भी देता है और ये एक निकली होती है। ठीक है, तो आज की अच्छी बात तो हो चुकी है, आप देखते हैं कल की अच्छी बात क्या है और बाकी रोज़ों की अच्छी बात है। ठीक है, तो स्टे ट्यून। ये कैसे सवाल कर रहे तुमने? बेरोजगार। देखो जवाब कितना बातें करता है। मम्मा गिरेगा यहाँ से। बेरोजगार को बेरोजगार। अच्छा हाँ बोलो। जो एक फुल्की होती है बाजार वाला कौन? कौन सी फुल्की? इसकी फुल क्या हुआ जी? आपके इधर आ, इसको एक हफ्ते छोड़ दे, मैं बस कह रही हूँ ना, इसको सिंगल करते रहो तो मेरा नाम बदल दे, अभी कुछ और रख दे। क्या नाम रखूँ फिर मैं? कैसा पलट डाल दे उसको आपने? कल सोच ले नहीं ये हमारी अफ्तारी, ये भाई हम लोगों की अफ्तारी है, हम खोलने जा रहे हैं अफ्तार। लेट्स गो। सारी बहुत ही मज़े की चीज़ें, बहुत ज़्यादा मज़े की। तो ये हमारी अफ्तारी, सब बैठे हैं। बातें निकालो मुँह से। वाइन गिर गया नीचे। नहीं नहीं बहुत भाई, जूस भी आ चुका है। ये चीज़ रोल है, चीज़ रोल है। और ये मेरी प्लेट। मरियम का मोबाइल मिल गया किसका? मरियम का। अच्छा नहीं, बात नहीं, क्या हो गया मरियम का मोबाइल को? छोड़ कर आ गई यूनिवर्सिटी में। मरियम का मोबाइल भाई, मरियम का नाम ही बंद है और नया मोबाइल भी लाया है। भाई हम लोग की अफ्तारी हो गई आज, सच में बहुत 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 मज़े का अफ्तारी बनी थी, मतलब सबसे बेस्ट अफ्तारी थी। सारी अफ्तारियाँ बहुत बेस्ट थी, हमने यहाँ खोली थी तो ये मोस्ट ऑफ द बेस्ट थी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें मुझे सारी ब्लॉग्स। दो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।